सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्मृति। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति, और दोस्तों कुक विद स्मृति में आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं मैसूर बोंडा। ये बहुत ही आसान पकौड़ा टाइप की एक रेसिपी है जो साउथ में काफी फेमस है, लेकिन बनाने में बेहद आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं किचन की ओर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो इसके नीचे का लाइक बटन हिट करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मैसूर बोंडा या मैंगलोर भज्जी बनाने के लिए हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप मैदा, 1/2 कप दही, 1/4 कप चावल का आटा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून करीब कटा हुआ कोकोनट या नारियल। अगर आपके पास सीजन में फ्रेश अवेलेबल हो तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ड्राई कोकोनट लिया है जो हम खीर वगैरह में डालते हैं। 2 टेबलस्पून करीब मैंने हरा धनिया बारीक काट के लिया है, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक काट के ले लें, और थोड़ा सा मैंने अदरक भी बारीक काट लिया है, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। मसालों में हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ही जीरा हमें चाहिए, स्वाद के हिसाब से हम नमक लेंगे, और 1/3 टेबल स्पून हम लेंगे खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है इसमें, हमको बेकिंग सोडा डालना है। इसके अलावा हमें ज़रूरत होगी तलने के लिए तेल की, और थोड़ा सा पानी चाहिए होगा हमको बैटर बनाने के लिए। तो चलिए बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बैटर बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे मैदा, चावल का आटा, मिर्ची और ज़ीरा, अदरक, कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और कटा हुआ हमारा कोकोनट। जो टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल है उसमें कोकोनट ज़रूर डाला जाता है, पर अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसके बिना भी बना सकते हो। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दही, नमक और खाने वाला सोडा। तो पहले हम इसको मिला लेंगे। दही यहाँ पर मैंने खट्टा नहीं लिया है, नॉर्मल लिया हुआ है, और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। और एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। तब हम इसको अच्छे से 2-3 मिनट ऐसे फेंट लेंगे, और आप देख सकते हो कि बैटर हमारा थिक है, बहुत ज़्यादा पोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं बनाना है, अदरवाइज़ आपके जो बोंडा है वो फ्लैट बनेगा और ऑयल भी बहुत ज़्यादा सोक कर लेगा अंदर। तो हमें थिक बैटर रखना है इसका। बैटर को कम से कम हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अगर इन केस के आपका बैटर पोरिंग कंसिस्टेंसी हो जाता है तो आप थोड़ा सा मैदा उसमें और मिला लें और उसको थिक कर लें। तो अभी हम इसको साइड में रख देंगे। और अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं और सुबह आपका स्टैंड नहीं होता, तो आप बैटर बना के फ्रिज में भी रख सकते हो रात को। सिर्फ आपको जब इनको फ्राई करना हो उससे 1 घंटे पहले आप फ्रिज से निकाल कर रख लें, 1 घंटा बाहर रख लें, रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ, और उसके बाद आप बना सकते हो। तो बहुत ही क्विक फटाफट से आप फ्राई करके ब्रेकफास्ट में भी इनको दे सकते हो। तो बैटर को करीब 15 मिनट रखे हुए हो गए हैं, और एक बार हम इस तरह फेंट के देख लेंगे तो हमें पता भी चल जाता है कि बैटर हमारा फूल गया है, फ्लफ़ी हो गया है। और इस तरह आप एक चम्मच में लें, और अगर आप डाल के देखेंगे तो धीरे से गिर रहा है एक जगह पे, तो इससे पता चल जाता है कि पोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं है, ये सही कंसिस्टेंसी है। तो चलिए मैसूर बोंडा को फ्राई करना शुरू करते हैं। तो मैसूर बोंडा को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर लिया है। तेल शुरू में हमको अच्छा गरम कर लेना है, और उसके बाद मैसूर बोंडा फ्राई करते वक्त हमको मीडियम टू हाई रखना है, क्योंकि अगर आप हमेशा हाई हीट पर करेंगे तो वो बाहर से बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे, और अगर आप लो पे करोगे तो वो काफ़ी तेल सोख लेंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आप मीडियम गैस रखिए एक बार तेल गर्म होने के बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस तरह एक एक को चम्मच से भी डाल सकते हो और हाथ से भी, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। ये तुरंत ही ऊपर आ गया है और फटाफट ऊपर तैरने लगा है, इसका मतलब काफ़ी अच्छा हमारा बैटर फूल गया था, फ्लफी हो गया था। तो हमने एक फ्राई करके तेल को चेक कर लिया है, इसी तरह हम सारे डाल देंगे। और आप इनके शेप की टेंशन बिल्कुल ना लें, ये बाद में अपने आप ही गोल शेप के हो जाते हैं। और इस तरह अलग पलट के इनको फ्राई करें ताकि हर तरफ से सिक जाए, वरना जो नीचे का साइड है अगर गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और बाकी साइड्स रह जाएंगे। तो इस तरह चलाते रहें जिससे कि वो चारों तरफ रोल होते रहें। अगर आपका बैटर अच्छे से फूल जाएगा तो ये गोल ही बनेंगे, चपटे नहीं बनेंगे। अगर चपटे बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि बैटर नहीं फूला है, तो आप उसको थोड़ी देर रख दीजिए या फिर फेंट लीजिए अच्छे तरीके से।
और चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लीजिए इस तरह अलग पलट के। तो सभी बोंडा हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, इनको निकाल लेंगे हम। एक्स्ट्रा तेल को इस तरह थोड़ा सा नीचे निकल जाने दें कढ़ाई में, और टिश्यू पेपर पे आप इनको निकाल लें। तो बाकी के भी इसी तरह से बना लेने हैं हमको। सेम प्रोसेस से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है और बनाने में बेहद आसान है, और हमें कोई खास इंग्रेडिएंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है, तो हम इन्हें भी निकाल लेंगे। और देखिए कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं, और आप देखो अपने आप सब गोल शेप ले लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारे सभी मैसूर बोंडा बनके तैयार हो गए हैं। नॉर्मली साउथ में लोग इनको कोकोनट पीनट चटनी के साथ या फिर वो एक अदरक की चटनी बनाते हैं उसके साथ सर्व करते हैं, लेकिन हम अपने घर में नॉर्मली इसको चाय के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व करते हैं। तो जिसके भी साथ आप सर्व करना चाहें, गर्मा गर्म इनको सर्व कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसके नीचे का लाइक बटन हिट कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय।